तो दोस्तों Xiaomi का Redmi Note 12 दुबई में लॉन्च हो चुका है और उम्मीद है कि ये पाकिस्तान में भी जल्द लॉन्च होगा। लेकिन इस नए Redmi Note 12 में क्या कुछ नया है? तो बेसिकली चार मेन चीजें हैं, जिनमें सबसे पहली चीज है डिजाइन। Redmi Note 12 ऑब्वियसली ज्यादा फ्रेश लगता है, इसकी फ्रेम फ्लैट है जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। इस बार मैट फिनिश को भी थोड़ा शाइनी कर दिया गया है और कैमरा मॉड्यूल का भी शेप इस बार ज्यादा बोल्ड है। फिर आता है डिस्प्ले और यहाँ भी बहुत ही जबरदस्त अपग्रेड्स हैं। 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट, ज्यादा बड़ी साइज, इस बार 200 निट्स ज्यादा पीक ब्राइटनेस। और फिर आता है इसका प्रोसेसर, जहां स्नैपड्रैगन 680 को अपग्रेड करके 685 कर दिया गया है, जो कि स्नैपड्रैगन 680 का ही ओवरक्लॉक वर्जन है। तो यहां परफॉर्मेंस गेन्स गेम चेंजिंग तो नहीं है, लेकिन बेंचमार्क्स में जरूर सामने आते हैं। और फिर है इस फोन का कैमरा, जिसकी टेस्टिंग करके मुझे कलर्स भी बेहतर लगे और इमेजेस में डिटेल्स भी ज्यादा दिखी। तो क्या Redmi Note 12 वाकई Redmi Note 11 से बेहतर है? दोस्तों ये जानने के लिए तो आपको हमारा डिटेल कंपैरिजन देखना होगा, जो कि चैनल पे मौजूद है।